ACL से जरदारी का नाम निकला ना बिलावल का। मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर के नाम भी फहरिस्त में ताहाल मौजूद। हुकूमत का जाली अकाउंट केस से जुड़े अफराद के नाम फौरी तौर पर फहरिस्त से ना निकालने का फैसला। 172 अफराद में से किसका नाम निकलेगा, कौन लिस्ट में रहेगा, मामला काबीना कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। कमेटी फर्दन फर्दन जायजा लेकर नाम फहरिस्त से निकालेगी। काबीना के आइंदा इजलास तक नाम ECL में रहेंगे। वफाक का सिंध हुकूमत को बराह रास्त फंड न देने का फैसला। वजीर इत्तला कहते हैं कि कराची मुआशी हद है, इसके लिए ओमनी ग्रुप पर भरोसा नहीं कर सकते। जो पैसा सिंध पर लगना चाहिए था वो दुबई में महल्लात पर खर्च हुआ। GIT के कहने पर नाम ECL में डाले गए। माजी में जिन लोगों के खिलाफ तहकीकात हो रही थी वो मुल्क से फरार हुए। इस हाकदार की वाजह मिसाल हमारे सामने है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद, सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी, 18 जनवरी को हलफ उठाएंगे। और हजारों जाली असलहा लाइसेंस बनाने वाला गैंग कराची से पकड़ा गया। 9 मुलजिमान में पुलिस और FC अहलकार भी शामिल। पुलिस कांस्टेबल सईद नवाज असलहा डीलर से खरीदार के कवायफ लाता था, CIA ने स्टिंग ऑपरेशन करके धर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम दे रिपोर्टर्स। देखते रहिए ARY News। QTVTutor.com. You can learn by one-on-one live sessions or by easy-to-follow videos whenever and wherever you want. So you can live by Quran teachings. Enroll today. A true learning experience. QTV Tutor. Spreading the light of knowledge.